सत श्री अकाल जी। ब्रेकिंग न्यूज़ पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हनवनीत हाजिर हाँ अज एक नवी खबर लैके। जिदा कि तुहानू पता है कि पंजाब दे विच धरनियां दा दौर चल रहा है। पंजाब दे विच किसानी संघर्ष नूं अज 102 दिनां दे उत्तों ज़्यादा हो गए हैं अते उत्थे ही दिल्ली बार्डर दे विच अज 47वां दिन है। पंजाब दे विच जो धरनियां दी शुरुआत की गई सी ओह दिल्ली बार्डर तक इन्नी गूंज है कि किसानां दे प्रति सरकार दा रवैया किते भी हलीमी अते सद्भावना वाला नज़र नहीं आ रहा है। सरकार दे वल्लों अपना कड़वा रुख दिखाई दे रहा है ते उधर ही किसान जथेबंदियों वालों भी अपना रुख है वह तेज किया जा रहा है। गल करांगे कल जलंधर दे विच होए हंगामे की, जिथे अश्विनी शर्मा वालों किसानी जथेबंदियों का गुस्सा सामना करना पाया। उन्होंने देखना पाया कि किसानों के विच कितना गुस्सा है। उन्होंने अश्विनी शर्मा का जम के विरोध किया। उधर ही दूजे पास जेकर हरियाणा की गल करिए हरियाणा के ही सीएम खट्टर को किसान जथेबंदियों का गुस्सा देखने को मिले। उन्होंने कल पंचायत सभा दी जिस किसानों का गुस्सा इन्ना ज़्यादा उभरिया कि स्टेज भी तोड़ दी हैलीपैड का सारा समान भी उखाड़ दिता गया। उस तो बाद सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया देंदे हुए कहा कि यह मेरे अपने लोग हैं, परदेश के लोग हैं, मेरा कोई मंतव नहीं है कि इन्होंने मैं कोई दुख पहुँचावा। तीजे पासे असीं गल करिए जिथे सरकार का रुख इन्ना कड़वा नज़र आ रहा है वो अपना गुस्सा कढ़ रही है तो उन्होंने कि पंजाब दे विच जो कि संगठनों का अपना साथ देने वाले सिंगर से उन्हों का भी विरोध किया। श्री बराड़ नूं कल गिरफ्तार कर लिया गया पटियाला दे विच अते उन्हां दी जमानत का भी कोई हल नहीं नज़र आ रहा। तो उधर ही जगराओं के डीसी वालों जस बाजवा नूं समन भेजे गए हैं। उधर ही ईडी वालों दलजीत दोसांझ के उत्ते छापेमारी की जा रही है। जेकर पूरे अंदोलन की गल करिए सरकार का जो रवैया है वह किसानों के प्रति कित भी हलीमी और सद्भावना वाला नज़र नहीं आ रहा। उधर ही पूरे पास जो फैल रही यह क्रूरता है उसका नतीजा अज एससी वालों निकलना है कि किस तरह ऐसी जानी कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला किसानों के हक में दिता है या सरकार के हक में दिता है। आज के लिए बस इन्ना ही, मैनू दो इजाजत, धन्यवाद।